New Hope TV, your encounter with God. So today I'm going to discuss about the reasons why we make poor choices. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन वजहों के बारे में जिसके वजह से कारण हम गलत चुनाव करते हैं. The first one. पहला है. Write this down. लिख लीजिए. Pride. घमंड. Pride is the number one reason why people make wrong choices. घमंड सबसे मुख्य कारण है कि क्यों लोग गलत चुनाव करते हैं. If you read the Bible in Mark chapter 14 verse 29. अगर आप पढ़ेंगे मरकुस के 14वें अध्याय में उसके 29वें वचन में. Jesus appointed 12 apostles. हम देखते हैं यीशु ने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया. One of them was Peter. उन सब में देखिए एक पतरस था. Peter said to Jesus. पतरस ने यीशु से. He's telling Jesus, even if all are made to stumble, I will not stumble. पतरस देखिए यीशु से कह रहा था, अगर सब के सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा. You see, अब देखते हैं. You can see pride speaking over there. आप देख सकते हैं कि घमंड यहाँ पे बात कर रहा था. He's saying it can happen to everyone, but not me. वो ऐसा कह रहा था कि ये दूसरे सभी के साथ हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं. And guess what? और सोचिए जरा. Peter fell. पतरस गिरा. Peter stumbled. पतरस ने ठोकर खाया. He denied Jesus. उसे यीशु को नकार दिया. Proverbs 11 verse 2. See what it says. नीति वचन का 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन में देखिए क्या कहता है. When pride comes, जब घमंड आता है, then comes shame. उसके साथ शर्मिंदगी भी आती है. But wisdom is with the humble. लेकिन बुद्धि जो है वो नम्र लोगों में निवास Or करती rather है. The, with the humble is wisdom. या फिर नम्र लोगों के साथ बुद्धि पाई जाती है. So you see, every time you manifest pride, you end up making wrong choices. So देखे, जब भी आप घमंड में कार्य करते हैं तो गलत चुनाव आपसे हो जाता है. When you have a mentality, oh, this can happen to everyone, but this can me, I will not, it not happen to me. जब आप में इस प्रकार की मानसिकता होती है कि देखिए ये दूसरे सभी से हो सकता है, लेकिन मुझसे मेरे से कभी ये नहीं होगा. You know why do accidents happen? और देखिए दुर्घटनाएं क्यों घटती हैं? You see every driver, they see the signs on the road. और देखिए ऐसा कि हर एक ड्राइवर जो होता है सड़क पर दिखाया हुआ जो साइन होता है, निशान होता है, वो देखता है. But he thinks, लेकिन वो सोचता है, those signs are not for me. I'm an expert driver. वे सभी निशान जो है वो मेरे लिए नहीं, मैं तो गाड़ी चलाने में माहिर हूं. Or does that fellow who just, you know, learned it last week, you know, it's for him actually. और ये सारे निशान जो है ना उस व्यक्ति के लिए जो पिछले हफ्ते गाड़ी चलाने को सिखाया. इसलिए the mindset, see the mindset. देखिए मानसिक चेतना को देखिए. It can happen to others. ये दूसरों के साथ हो सकता है. Others can fall. दूसरे गिर सकते हैं. But me, लेकिन मैं, I'm different. मैं अलग हूं. I cannot fall. मैं नहीं गिर सकता. You see, this is a mindset of pride. देखिए यही तो घमंड की मानसिकता है. I don't need to double check. Oh, I know it all. Oh, मुझे तो सब कुछ पता है. I don't need to prepare. मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं. मैं सब कुछ. Mindset of pride. ये घमंड की मानसिकता है. Whenever you have a mindset of pride. देखिए जब कभी आपके अंदर घमंड की मानसिकता होती है, you make wrong choices. तब आपसे गलत चुनाव हो जाएंगे. The second thing. दूसरी चीज. Fatigue. दूसरी चीज है थकान. What is fatigue? ये थकान क्या है? You know, fatigue is when a person is tired and worn out. और थकान का मतलब ये होता है जब एक व्यक्ति पूरी तरह से थकावट के मारे एकदम थक कर चूर हो गया. You are stressed to the limit. आप एकदम सीमा तक आप एकदम बोझ में दब गए हैं. At such times, ऐसे समय पर, never take a major decision. कभी भी कोई बड़ा फैसला ना लीजिएगा. When you're tired, when you're stressed, जब आप थके होते हैं, दबाव में होते हैं. When probably at the end of the day, you know, like जैसे कि हो सकता है दिन के आखिर में. You know, people come to you and say, now tell me what to do. लोग आकर आपसे कहेंगे. Don't take a decision that time. लोग आकर आपको पूछेंगे कि चलो अभी बताओ क्या करना है. उस समय पर कोई फैसला ना लीजिएगा. When you're depressed, जब आप निराश होते हैं. You know, I'll put it another way. When you're low, you're feeling low. Oh, you're feeling low. या फिर ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने जीवन के एकदम निचले स्तर को अनुभव करते हैं. Never take a major decision in your life at that time. उस समय पर अपने का कोई भी बड़ा फैसला ना लीजिए. If you're going through depression, you know, you somebody is, you know, walked out on you on a relationship and you know, somebody some comes and say, what about this marriage proposal? And just because somebody's walked out on you, you know, just don't say, yes, bring it on, you know, no, don't do that. और या फिर हो सकता है कि तनाव, या फिर हो सकता है कि कोई आपको छोड़कर चला गया हो, या रिश्ते में से कोई खटास आ गई हो, उसके बाद अगर कोई आपको शादी का प्रस्ताव लेकर आता है तो आप कहते हो हां ठीक है लेकर आओ. You just want to prove a point. बस हम अपना मामला जो सामने पेश करना चाहते हैं. That is a poor choice. ये एक बेकार का चुनाव है. So you see, when you're fatigued, when you're stressed out, when you're worn out, when you're low, do not take major decisions. For that matter, even any decision. तो देखिए, जब आप थकान में होते हैं या थकावट के मारे एकदम चूर हो जाते हैं या फिर एकदम निराश की अवस्था में होते हैं, उस समय पर अपने जीवन के लिए कोई भी बड़ा फैसला ना लीजिएगा. We are looking at why people make wrong choices. और देखिए हम इस बात पर देख रहे हैं कि क्यों लोगों से गलत चुनाव हो जाते हैं. We are looking at the third one right now. और तीसरी बात पर हम इस वक्त देखने जा रहे हैं. The fear of disapproval. ये है अस्वीकृति का, यानी कि लोगों के द्वारा ठुकराए जाने का डर. Yeah, the fear of rejection. या फिर ठुकराहट का डर. You look at Peter. पतरस को देखें. Go to the same chapter, Mark 14 and verse 54.
और उसी अध्याय में देखिए मरकुस का 14वां अध्याय 54वां वचन एंड द बाइबल सेज बट पीटर फॉलोड जीसस एट अ डिस्टेंस बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस दूर ही दूर यानी फासले के साथ यीशु के पीछे गया नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही दिलचस्प है पीटर फॉलोड जीसस पतरस यीशु के पीछे गया बट एट अ डिस्टेंस लेकिन एक फासले से इंटरेस्टिंग देयर आर मेनी पीपल टुडे हु आर फॉलोइंग जीसस बट एट अ डिस्टेंस ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जो यीशु के पीछे चलते तो हैं लेकिन एक दूरी से यानी फासला रखते हुए। You ask them, do you believe in the Lord? अगर आप उनसे पूछे कि आप प्रभु में विश्वास करते हैं? Oh yes, of course I believe in the Lord. वो कहेंगे हाँ यकीनन मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। But you look at their lives. लेकिन आप उनकी जिंदगी को देखें। What they say? जो वो कहते हैं। Or rather what they do? या फिर जो वो करते हैं। And what they believe in? और जो वे विश्वास करते हैं। They're poles apart. और उसमें बहुत ही अंतर है। These are people following Jesus at a distance. ये वे लोग हैं जो एक फासले के साथ यीशु के पीछे जाते हैं। They are cold on the inside. और देखिए अंदर से भी इधर ठंडे पड़े हैं। They can fake it on the outside, but they are cold. They are far away from the Lord. और बाहर से तो देखिए वो दिखावा यानी ढोंग कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उधर ठंडे पड़े हुए हैं, प्रभु से कोसों दूर हैं। Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. हम देखते हैं पतरस दूर ही दूर यीशु के पीछे पीछे महायाजक के अंग के भीतर तक गया। And guess what? और सोचिए जरा। He sat with the servants, warming himself at the fire. और वो वहाँ जाकर प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। You see? अब देखिए। Jesus was being condemned over there. और यीशु पर वहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। And what is our man doing over here? और हमारा ये आदमी क्या कर रहा है? He's warming himself at the fire. और जाकर वहाँ पर आग ताप रहा था। He's trying to fall in with the clique. He's trying to become one with the clique. You know? और देखिए वहाँ के जो लोग जो समूह थे बस उस पे का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। Sometimes we try to fit in, even when we cannot fit in. We just try to fit in because you see Jesus was over there he was being condemned and injustice was being done to him but our man is just sitting with the people at the fire because you see Peter feared the disapproval of man Peter feared the rejection of men aur dekhiye yahan par hum dekhte hain Petrus jo tha wo in logon ke sath baithkar aag taap raha tha dekhiye kabhi kabhi kya hota hai ki hum apna mel logon mein bithane ki koshish karte hain bhale bithaya nahi ja pa raha hai fir bhi hum koshish karte hain aur ye is wajah se hua क्योंकि यहाँ पर पतरस जो है लोगों के द्वारा ठुकरा दिए जाने का अस्वीकार किए जाने के डर में भरा हुआ था। हालेलुया हालेलुया पीपल ऑफ गॉड परमेश्वर के लोगों फियर गॉड परमेश्वर का भय मानिए डोंट वरी अबाउट पीपल लोगों के बारे में फिक्र ना करें डोंट फियर द रिजेक्शन ऑफ पीपल लोगों का जब ठुकराहट मिलता है उससे डरे नहीं दैट्स द टाइम इफ यू डू दैट यू विल मेक रॉन्ग चॉइसेस उस समय जब आप ऐसा करते हैं तो आपसे गलत चुनाव हो जाएगा द फोर्थ वन नाउ दिस इज रियली रियली पावरफुल ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ये चौथा मुद्दा जो है बहुत ही जबरदस्त है शॉर्ट टर्म प्लेजर कुछ समय की खुशी यू नो सम पीपल चूज शॉर्ट टर्म प्लेजर ओवर लॉन्ग टर्म हेल्थ और देखिए कुछ लोग जो हैं लंबे समय के जो स्वास्थ्य के बदले में कुछ समय के आनंद और खुशी को चुन लेते हैं they'll eat anything वे कुछ भी खा लेंगे they don't think about the long term health और लंबे समय के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे वे don't worry man nothing happens फिक्र मत करो कुछ नहीं होता शॉर्ट टर्म प्लेजर ओवर लॉन्ग टर्म हेल्थ थोड़े समय की खुशी और आनंद लंबे समय के स्वास्थ्य के बदले में Some people overspend. और कुछ लोग ज्यादा खर्च करते हैं Just now, I've got to have this right now. Oh, मुझे ये लेना ही है मेरे पास होना चाहिए I've got to have this latest phone now. और मुझे अभी नया निकल कर आया हुआ फोन चाहिए ही चाहिए Short term pleasure over long term financial freedom. Hello. और देखिए लंबे समय के जो आर्थिक आजादी के बदले में कुछ थोड़े समय की खुशी You see how people make wrong choices? तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग गलत चुनाव कर लेते हैं You know, I want to tell you. आपसे कहना चाहते हैं. Why not put up with the pain now so that you can experience the pleasure later? और क्यों ना अभी आप दर्द को अलग रख दें ताकि आगे जाके आप उसकी खुशी को पा सकें. If you read Psalm chapter 1, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता का अध्याय 1 verses 1 2 and 3 उसके पहले दूसरे तीसरे वचन में the bible says blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly nor sits in the stands in the seat of the scornful not sits in the seat the blessed man is blessed because he's not enjoying the company of the people that please his flesh he says no I rather say no to this people and that's why you see he ignores short term pleasure so that he can have the long term pleasure of the lord hallelujah जो आशीष व्यक्ति जो होता है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता देखिए बैठता है हां गलत प्रकार के लोगों की मंडली में बैठता नहीं है देखिए लंबे समय का जो खुशी आनंद के बदले में वो थोड़े समय का आनंद तो पाता नहीं है पीटर सैट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली और पतरस देखिए अधर्मी लोगों की मंडली में समूह में बैठा हुआ बैठा हुआ वही डिनाइड जीसस वही पर तो उसने यीशु को नकारा रॉन्ग चॉइसेस गलत चुनाव यू सी कंफर्ट बिफोर कैरेक्टर और आप देखें यहां पर चरित्र से पहले आराम व्हेनेवर यू पुट कंफर्ट बिफोर कैरेक्टर
you will make wrong choices. और देखिए जब भी आप अपने चरित्र से आगे अपने लिए सुविधा या आराम को रखते हैं तो आपसे गलत चुनाव होगा. If you go to the book of Genesis, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे, you see there is a person called Esau. वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ईसाव. दरअसल वो भूखा मर नहीं रहा था, उसे तो खाली भूख लगी थी. और यहीं पर देखिए वो अपने जन्मसिद्ध अधिकार को याकूब को बेच देता है. You see my friend, there are many people like Esau. और मेरे दोस्तों देखिए इसी प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं. For short term pleasure, कुछ थोड़े समय के खुशी, short term gain, खुश थोड़े समय के लिए कुछ हासिल करने they lost their birthright, they lost their future in God, they lost everything. You see my friend, Reuben was like that. और देखिए अपने जन्म से अधिकार को गवा देते, अपना भविष्य, अपना सब कुछ वो गवा देते. मेरे दोस्त रूबेन भी ऐसा ही था. The Bible says, Bible कहती है, he slept with his father's wife, अपने पिता की पत्नी के साथ, वो सोया बिल्हा के साथ. Bila. And you see Reuben, though he was the firstborn Jacob, when he was prophesying he said, you are unstable as water. और देखिए वो लौटा पुत्र था, फिर भी जब याकूब भविष्यवाणी कर रहा था तो उसने कहा कि तू उबलने वाली पानी के जैसा अस्थिर है. Yeah. There are people who are talented, there are people who are capable, but you see they are unstable. They put short-term pleasure before long-term gain. Hallelujah. और देखिए ऐसे लोग होते हैं जो भले काबिलियत में भरे हुए हैं, सक्षम हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो एकदम अस्थिर हो जाते हैं. Have you done that? लंबे समय के अहं के बदले थोड़े समय का जो आनंद उसका चुनाव कर लेते. क्या आपने ऐसा किया है? Today, ask the Lord and say, Lord, forgive me. आज कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे. If you need to fast and pray, then fast and pray. अगर आपको उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है इसके लिए तो जरूर करिएगा. The fifth one. पांचवा है. We rely on experience to make decisions, and that's the wrong choice. और देखिए हम अनुभवों पर निर्भर होते हैं अपना फैसला लेने के लिए और ये गलत चुनाव हो जाता है. Because something has worked for you in the past doesn't mean it will work today. और देखिए क्योंकि अतीत में या बीते समय में कुछ ने किसी चीज ने आपके लिए काम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी भी काम करेगा. You have to make good decisions, you have to have research, you have to pray and only then make decisions. और देखिए आपको पहले प्रार्थना करनी है, आपको इसके लिए रिसर्च करनी है, सही बातों को तुल बिठाकर ही फिर आपको फैसला लेना है. Many Christians are fail in this manner. देखिए बहुत सारे मसीह लोग इस क्षेत्र में या इस तरीके से नाकाम होते हैं. Because just something happened, you know, good happened just like that only, you know, just don't worry, you know, everything work out. And you see, this is by many reasons, this is one of the main reasons people make poor choices. और देखिए क्योंकि उनके साथ बीते समय में कुछ अच्छा हुआ था, वो कहते हैं कि ओ फिक्र ना करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. देखिए यही वजह हो जाती है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में गलत चुनाव कर बैठते हैं. Experience is good. और अनुभव करना ये अच्छा है. But yesterday's experience may not fit exactly in the situation you are currently in. लेकिन कल का यानी बीते समय का जो अनुभव आपका था, आज आपके वर्तमान समय में जिस प्रकार के दौर में आप हैं उसमें वो मेल नहीं बैठाएगा. Look at Samson. शिमशोन को देखें. He is with Delilah. वो दलीला के साथ था. Delilah shaves off his hair and ties him and he says, I will go against the Philistines like I went before. और देखिए दलीला क्या करती है कि उसके सिर के बाल जो मुड़ा देती है और उससे बांध देती है रस्सियों से. शिमशोन ऐसा सोचता है कि मैं वापस जाकर जैसे पहले जाया करता था, जाकर मैं फिलिस्तीनियों का सामना करूंगा. Samson was relying on experience, on past victories, experiences, so that he could go against the enemy. He did not check himself where he is currently right now. So my friend, be careful. और देखिए शिमशोन को जैसा पहले अनुभव मिला था वो उस पर ही निर्भर था कि जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही अभी भी जाकर करूंगा. लेकिन उसने ये देखा नहीं कि अब वो किस स्तर में है, किस स्थिति में हो चुका है, उसने अपने आप को जांचा नहीं. David, when he's going against the Philistine, दाऊद भी जब उसे दुश्मनों का सामना करने जा रहा था, एक वचन में लिखा है, he prays, वो प्रार्थना करता है, and the Lord says, और फिर प्रभु कहता है, wait, ठहरो, till you hear the marching footsteps in the trees, only then you move ahead. और जब तक तुम पदचिन्हों की आवाज को न सुनते हो तब तक ठहरे रहना, फिर उसके बाद ही जाना. See, God was telling him, wait till the angelic army goes ahead of you. और देखिए वो परमेश्वर से कहता है कि जब तक स्वर्गदूतों की सेना तुम्हारे आगे नहीं जाते ठहरे रहो. Wait. ठहरो. He gets victory in that battle. फिर उस लड़ाई में उसे विजय मिलती है. So now if I and you over there, तो अगर अब हम और आप वहां होते, we would say, okay. तो हम कहते, ओ ठीक है. Step number one. पहला कदम. Till you hear the marching, don't move ahead. जब तक तुम्हें आवाज आहट नहीं सुनाई देती आगे मत बढ़ो. But you see the next battles, same battlefield, same army. लेकिन आप देखते अगली लड़ाई में वही लड़ाई का मैदान और वही फौज. David asks God, what should I do? दाऊद वहाँ परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए? Should I go up?
क्या मैं जाऊं आगे? God says no. परमेश्वर कहता नहीं. You will circle them now. तुम अब उनके चक्कर काटोगे. Same enemy. वही दुश्मन. Same battlefield. वही लड़ाई का मैदान. Same God. वही परमेश्वर. Same David. वही दाऊद. Different strategy. लेकिन नीति बिल्कुल अलग. Don't rely only on experience. और बीते समय के जो अनुभव पर ही निर्भर रहे. Get a now word from God. परमेश्वर से अभी का वचन पालें. Yesterday's hearing God is not enough. Today you need to hear God. और कल आप परमेश्वर की सुने ये काफी नहीं है. आज आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है. Today you need to hear fresh from God. आज आपको परमेश्वर से एक ताजा वचन पाने की जरूरत है. That's how you can avoid making the wrong choices. और इसी तरीके से आप गलत चुनाव करने से बच सकते हैं. You know, I've just begun this. How you get back on track? और देखिए बस हमने इसकी शुरुआत ही की कि कैसे आप अपनी पटरी पर वापस आ सकते हैं. And God will bring you into seasons of joy, seasons of restoration like you never ever experienced before. Somebody say hallelujah. और देखिए परमेश्वर आपको विजय और आनंद के ऐसे अनुभव में लेकर आएगा जिसका आपने पहले कभी अनुभव न किया हो. Today God is going to do something big for you, my friend. आज मेरे दोस्त परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता है. If you believe this, lift your hand and say hallelujah.